हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको गमले में एलोवेरा कैसे उगाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। और यस फ्रेंड, आप मेरे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एलोवेरा का ये बहुत सारे छोड़ है यहाँ पे। ये देखिए, हम छोटे वाले लेंगे, उसके जो ये नीचे से पकड़ के बाहर खींचेंगे तो देखिए मूल के साथ बाहर आ गए। इसकी जड़ें होती है बहुत अंदर तक नहीं होती, इसलिए आसानी से बाहर आएगा। आप नीचे से पकड़ के उसको इस तरह से बाहर खींचना है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसकी जो मूल के साथ आ चुका है बाहर। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको, आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरी एलोवेरा की है, ये मूल है बहुत ऊपर ही होती है, इसकी मूली बहुत अंदर तक नहीं जाती है। ये देखिए, ये जो हमारा एलोवेरा है वो छोटा सा बाहर निकल चुका है। ये देखिए, ये देखा आपने। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको जल्दी से गमले में लगा देते हैं। ये मेरा पुराना कुंडा है, ये मैंने इसमें क्या करूंगा, मैं ऐसे रेती निकाल दूंगा यहाँ से बाहर पहले। इस तरह से आप मिट्टी जो है वो निकाल देंगे। तो ये एलोवेरा, ये मैंने ले ली है, इसको हम ऐसे इसको लगाएंगे। एलोवेरा जो है वो बहुत अंदर तक, गमले के अंदर बहुत नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हम जब पानी डालेंगे तो वो पूरी तरह से भर जाएगा। इसलिए देखिए, बीच में ऐसे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे छोटा वाला जो छोड़ हमने निकाला था, वही छोड़ हम इसको हम यहाँ गमले के अंदर रख देंगे इस तरह से। ये देखिए बीच में, और आजू बाजू जो होता है वहाँ हम मिट्टी ऐसे डाल देंगे। हमने मिट्टी पर दिया, हम इसको ऐसे हिलाएंगे तो जो मिट्टी है वो अच्छी तरह से बिठ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब हम इसमें एक टब जितना पानी डालेंगे। ये देखिए, वो पूरी तरह से हम इसको साइड में से ही पानी डालेंगे। ये जो हमने पहले पानी डाला है वो जल्दी से सूख जाएगा। ये जो हमने पानी डाला उसको जड़ तक से ऐसे मजबूत हो जाएगी, एकदम मिट्टी है वो सही तरीके बिठ जाएगी। ये देखिए, हम एक बार और आधा टब ही हम पानी डालेंगे, पूरा भर देंगे। और आप एलोवेरा को 2 से 3 दिन तक पानी मत दीजिए, और दूसरे दो तीन दिन में ही आप इसको पानी डालिएगा, और आपका एलोवेरा बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब चैनल।